पूरी दुनिया की तरह जिला जैकबाबाद में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़ी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फजान लब्बैक या रसूलल्लाह आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंज उठी। मजीद इस हवाले से बातचीत करते हैं जैकबाबाद से सदाम हुसैन चाणियों की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में भी जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया जा रहा है। दोनों जहां के सरदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिला जो है वो जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मजीद हमारे साथ आज के रसूल हैं, उनसे बात करेंगे कि वो कितनी जोश और जज्बे से ईद जो है वो मना रहे हैं। हम ये आज ऐसा समझो 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल सारा महीना सारा साल 12 रबीउल अव्वल करके मनाएंगे। ईद का दिन है, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश का दिन है। ईदों पर ईद है, हम खुशियां भी मना रहे हैं और नए कपड़े भी पहने हैं, बेज भी लगाए हैं। आपके सामने ये झंडा भी है नबी साईं का, वो भी हाथ में है, ना घरों भी सजाया है, अपने मेलों में भी सजाया है। देखो लाखों की तादाद में पीछे मुसलमान खड़े हैं और अहले सुन्नत जमात के जो तंजीमें सारी हैं, और हम मुल्क के लिए पाकिस्तान के लिए सुबह को फजर को और दुआएं मांगी है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाक फौज के लिए और सलाम मुतासरीन के लिए। ये हमारे खुशी का दिन है यही। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इन लोगों की बातें सुनी कि इन लोगों का कहना है कि ये जो दिन है हमारे लिए ईद से कम नहीं, हम हर साल की तरह इस साल भी जो है जश्न ईद मिलादुल नबी मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सदाम, आप अपनी तफसीलात से आगाह कर रहे थे।